नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पलटवार हुआ है। नवरात्रि को लेकर दिए सीएम योगी ने निर्देश, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने बयान दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि को लेकर निर्देश जारी किए, उसको लेकर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यहां पर बयान जारी किया है, पलटवार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से नवरात्रि को लेकर निर्देश जो जारी किया गया था उसको लेकर अब घमासान मच गया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवरात्रि को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया था उसको लेकर घमासान मचा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कि आपने 1,00,000 रुपये धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम आपसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं, ये जो आपने 1,00,000 रुपये दिया है इसका इस्तेमाल पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि जो पिछले साल का बजट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, 50% का बजट आपका लैप्स हुआ, खर्च नहीं हुआ पैसा, दवाइयां नहीं मिली लोगों को, इलाज नहीं मिला, जांच नहीं हुई, आपने पर्चा महंगा कर दिया सरकारी अस्पतालों में। और अब खबर लखनऊ से है, रामनवमी पर होगा अखंड रामायण का पाठ। अखंड रामायण का पाठ कराएगी सरकार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यूपी सरकार करेगी आयोजन, महिलाओं बालिकाओं की होगी विशेष रूप से सहभागिता। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम की ओर से यह निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहां पर सरकार जो है रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ करवाएगी, ये बात सरकार की तरफ से कह दी गई है, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यूपी सरकार यहां पर आयोजन करने जा रही है। तो नवरात्र के मौके पर, साथ ही साथ रामनवमी के मौके पर यहां पर तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन सरकार की तरफ से किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता इसमें होगी। यहां पर लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में अब सरकार जो है वो नवरात्रि और रामनवमी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है, इसके लिए निर्देश भी बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। अब खबर लखनऊ से, शहीद पथ पर 44 और सिटी बसें हुई शुरू, ई रिक्शा टेम्पो पर रोक के बाद शुरू हुआ संचालन, हर 5 मिनट के अंतराल पर मिलेगी बसें, सुबह 6 से रात 9 बजे तक सिटी बसें चलेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सिटी बसें चलेंगी, हर 5 मिनट के अंतराल में लोगों को यहां पर बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। शहीद पथ पर 44 यहां पर जो सिटी बसें हैं वो शुरू की जा रही हैं। ये बड़ी राहत लोगों के लिए, शहीद पथ पर 44 और सिटी बसें यहां पर शुरू होने जा रही हैं, और ई रिक्शा टेम्पो पर रोक के बाद ये जो बसें हैं उनका संचालन किया जा रहा है। सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोगों के लिए ये बसों की सुविधा उपलब्ध रहेगी, और हर 5 मिनट के अंतराल में लोगों को बसें मिलती रहेंगी। एक बड़ी राहत लोगों के लिए।
ये बसें आप देख रहे हैं जहां पर अब लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है और एक अच्छी सुविधा लोगों को मिलने जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बसपा सांसद। बसपा अध्यक्ष मायावती ने चुनाव का तैयार किया खाका। बसपा के सभी 10 सांसदों को मिलेगी जिम्मेदारी। सेक्टर वार सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी होगी गठित। कैडर के अलावा अन्य वर्ग के लोगों पर भी होगा फोकस। दिल्ली में जल्द होगी बीएसपी सांसदों की बैठक। तो ये बड़ी बैठक यहां पर होने जा रही है निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका के लिए। बसपा जो है अब तैयार हो चुकी है और बसपा ने भी अब ताल ठोकने की तैयारी यहां पर निकाय चुनाव में कर ली है। इसको लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में सांसदों की तरफ से की जाएगी। 10 सांसदों को अहम जिम्मेदारी यहां पर मिलने जा रही है और बसपा सुप्रीमो की तरफ से इस तैयारी का जो एक खाका भी तैयार कर लिया गया है और जल्द बड़ी बैठक यहां पर दिल्ली में होने जा रही है। ये बड़ी खबर है जहां पर बसपा की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर अब सक्रियता जो है वो तेज हो गई। लखनऊ से बड़ी खबर, पीएम आवास 1.29 लाख रुपए महंगा। 24.72 वर्ग मीटर का आवास अब 7.30 लाख में मिलेगा। एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने दी हरी झंडी। दो श्रेणी 24.72 वर्ग मीटर और 22.72 वर्ग मीटर में बनेगा। यहां पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास अब करीब 1,30,000 रुपए महंगा हो गया है और दो श्रेणियों में अब यहां पर मकान बना सकेंगे। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीएम आवास अब महंगा हो गया। एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने मंजूरी भी दे दी है और इसके तहत अब आवास का निर्माण यहां पर किया जाएगा। बड़ी खबर, एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी भी दिखा दी है और मंजूरी भी इसको मिल गई है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का शव घर में लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मेरे भाई की पोत्री थी जी। इसकी लगभग 5-6 वर्ष पूर्व शादी की थी यहाँ और आए दिन दिक्कत रहती थी, झगड़ा होता था इनमें आपस में, नहीं कहा जा सकता किस बेस पर रहता था। अब काफी दिन से इसकी माँ जो है लड़की की, वो तो बाहर कमाने गई है, इसके दो छोटे छोटे भाई हैं वो घर पे रहते थे। आज हमें तो गाँव में अचानक फोन गया है कि पूजा ने फांसी खा ली। यहाँ आकर देखा तो हमने तो मृत अवस्था में खाट पे लेटी देखी, जिसके शरीर पर चोट के बहुत निशान थे। कन्नौज में इस बार 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर किसानों ने आलू की बुआई की है। करीब 5,000 हेक्टेयर एरिया बढ़ने और अगेती फसल के अच्छे उत्पादन के कारण जिले में इस बार 20 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा आलू की पैदावार हुई है, जिसमें करीब 3 लाख मैट्रिक टन आलू किसानों ने बाजार में बेच दिया है। अब रेट कम होने के कारण ज्यादातर किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हाउसफुल का बोर्ड लगाकर कोल्ड स्टोरेज से वापस किया जा रहा है। आलू की बदाली को लेकर सपा और कांग्रेस राज्य सरकार पर जमकर हमलावर है, तो वहीं डीएम सहित पूरा प्रशासनिक महकमा किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखवाने में जुटा हुआ है। जहां तक इस समय वर्तमान में आलू के भंडारण की स्थिति है, हमारा जो जनपद कन्नौज है इसमें अभी भी हमारे पास कोल्ड स्टोरेज में करीब 15% का हमारे जो है स्पेस इसमें है। हमारे जनपद में इस समय 153 कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से फंक्शनल है और जितना उत्पादन है लगभग उतनी हमारे पास स्पेस है। हाँ, 2-4-5 जगह में कोल्ड स्टोरेज में लाइन लगी हुई है, तो हम लोग पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज के जो भी मालिक है
उनके साथ संपर्क में है और जहां जहां किसानों को कठिनाइयां आ रही है वहां लोग उनसे बात करके उसका समाधान भी करा रहे हैं। कन्नौज के एक गांव में महिला को घर ना भेजने से गुस्साए युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। कुलाड़ी से हुए हमले में एक युवक का सिर फट गया और उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामला गड़ापुरवा गांव का है। यहां के शिव सिंह की पुत्री की शादी गांव के संदेश ने कराई थी। शादी के बाद शिव सिंह ने बेटी ने संदेश के घर भेजना बंद कर दिया। इसी बात को लेकर वह शिव सिंह से रंजिश मानने लगा। अब सुबह भी इसी को लेकर उसका विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और संदेश ने अपने भाई के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से शिव सिंह पर जोरदार हमला कर दिया। हमले में उसके भाई के सिर में चोट लग गई और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपनी खेत में सेल बना रहे थे, ये लोग थे संजेश और लल्ली, लल्ली कहते हैं नाम, भी मुझे नहीं पता है, और यानी संजेश की पत्नी भी थी, एक महिला और कोई थी। और संजेश बोला तुम लड़की को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेजते हो, हमने शादी कराई है। तो हमने कहा हम रोज नहीं भेज पाएंगे, कभी कोई फंक्शन हो तो भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं कि अच्छा बहुत लंबे दादा तुम बन गए हो। किन्नो मारपीट की इनके साथ संजेश ने, और वो किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर कि लड़की को क्यों मेरे घरे नहीं भेजते, वो इसकी शादी में। कौन है इस चीज के बिचमनिया है क्या? बिच हाँ मजिया थे, मजिया थे। अब खबर कन्नौज से है। फांसी पर झूलता मिला महिला का शव, संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ससुराल जनकर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। शिबरामो कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर गांव का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप यहां पर लगा है। फांसी पर महिला का शव जो है वो झूलता हुआ मिला है। इसके बाद परिवार जनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का गंभीर आरोप यहां पर लगाया है और अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर एक महिला का शव फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर ही हत्या करने का आरोप यहां पर लगाया है। दो साल घर से शादी हुई है, बहन को मारे मारते हैं। और कहाँ शादी की थी आप? शादी रतुरपुर का जी, रतुरपुर। तो रात क्या हुआ? बात ये हुई तो बहन को मारे मारते थे और फिर धमकी देते थे घर पर भाग जाओ। तो आज क्या हुआ? आज मार कर फांसी में लटका दिया। गाजियाबाद के नंदीग्राम थाना क्षेत्र की चार्ल्स कैंसल सोसाइटी में देर रात स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि यहां एक शख्स को डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची को ले जाते हुए पकड़ा गया। आनंद फानंद में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस पर लोगों ने तमाम सवाल खड़े करते हुए सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है और मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर लखनऊ से है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल। निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार। अनुमति के बाद आरक्षण सूची की जाएगी जारी। तो ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में अब रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी गई है और अब वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी की जो है इंतजार अब बाकी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर ओबीसी जो आयोग है उसकी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अनुमति के बाद आरक्षण सूची भी जारी कर दी जाएगी।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, अब वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार बाकी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, भूखंडों का अप्रैल में खुलेगा पंजीकरण। नव्य अयोध्या में भूखंडों का खुलेगा पंजीकरण। 500 एकड़ जमीन के लिए 500 करोड़ रुपए किए मंजूर, निदेशक मंडल की बैठक में रकम को दी गई मंजूरी। तो ये बड़ी खबर है, नव्य अयोध्या में भूखंडों का पंजीकरण अब खुलेगा। 500 एकड़ जमीन के लिए 500 करोड़ की मंजूरी यहां पर दे दी गई है और बैठक के बाद इस रकम को मंजूरी यहां पर मिल गई है। भूखंडों का अप्रैल में पंजीकरण खुलने वाला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। वायरल फीवर का नया वेरिएंट है H3N2 इन्फ्लुएंजा। विभाग ने बचाव और रोकथाम की दी जानकारी। खांसी, गले में खराश, नाक बहना, H3N2 वायरस के लक्षण। सिरदर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना है लक्षण। थकान, सांस फूलना, दस्त और उल्टी भी इस वायरस के लक्षण हैं। सार्वजनिक जगहों पर नाक मुंह ढककर रखें, ये यहां पर सुझाव दिए जा रहे हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह ढककर रखें। पानी और तरल पदार्थों का अत्यधिक सेवन करें, यहां पर यह बात की जा रही है। H3N2 वायरस का को लेकर अब यहां स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम जो है वो इसके लक्षण हैं, खांसना, छींकना, ठंड लगना, बुखार आना, ये लक्षण इसके हो सकते हैं। इसलिए आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में अगर जाएं तो थोड़ा सावधानी से जाएं, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इस वायरल फीवर के ये कुछ लक्षण हैं, इनसे बचाव बेहद जरूरी है और इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर लखनऊ से, कस्तूरबा गांधी स्कूलों के लिए नोटिस जारी। 292 स्कूलों में नए सत्र से इंटर तक की होगी पढ़ाई। 30,000 छात्राओं की पढ़ाई की खुलेगी राह। अप्रैल में 200, जुलाई में 92 स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई। 746 स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक चल रही पढ़ाई। पहले चरण में 54 स्कूलों का होगा उच्चीकरण। एसटीएससी ओबीसी वर्ग की छात्राओं को मिलता है दाखिला। प्रदेश में 74,000 छात्राएं इन स्कूलों में कर रही पढ़ाई। ये बड़ी खबर है, पहले चरण में 54 स्कूलों का उच्चीकरण होगा। एसटीएससी ओबीसी वर्ग की छात्राओं को यहां पर दाखिला मिलता है और अब कस्तूरबा गांधी स्कूलों के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। सीतापुर से बड़ी खबर, साहश्री सुब्रत राय के खिलाफ प्रदर्शन। एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे लाभार्थी, 28 फरवरी को हुआ था मामला दर्ज। सुब्रत राय सहित 8 लोगों पर हुआ था मामला दर्ज, अभी तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। मांग ना पूरी होने के कारण एक बार फिर धरना शुरू। जिला अधिकारी के ऑफिस के पीछे लाभार्थी धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोई कार्रवाई ना होने के चलते यहां पर जो लाभार्थी हैं वो अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक दिवसीय भूख हड़ताल यहां पर हो रही है और कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई सारा श्री सुब्रत राय के खिलाफ नहीं की गई है। सीतापुर से ये जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मामला दर्ज हो गया है लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर अब एक दिवसीय भूख हड़ताल भी यहां पर की जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बल्ली पंडित ने खोले अतीक के काले कारनामे। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी से जुड़े राज खोल दिए हैं। जेल से हर महीने रंगदारी वसूलता था अतीक, ये कहा है। धूमनगंज के नीवा का रहने वाला है बल्ली। अतीक अहमद का खास गुर्गा बल्ली पंडित को बताया जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काले कारनामों का राज अतीक अहमद जो माफिया है उससे जुड़े यहां पर खोल दिए गए हैं उसी के खास गुर्गे के द्वारा। और कहा गया है कि जेल में हर महीने रंगदारी वसूलता था अतीक, ये बात भी यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार
पुलिस दबिश दे रही है कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। और अब इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर अतीक के ही गुर्गे ने उसके काले कारनामों को सबके सामने उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद जेल से ही रंगदारी वसूलने का काम किया करता है और अब उसी के गुर्गे, खास गुर्गे वल्ली पंडित ने यहां पर अतीक के राज सबके सामने रख दिए। बांदा से बड़ी खबर है, पानी की समस्या को लेकर लोग बेहद परेशान हैं, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। गंदे पानी की समस्या को लेकर गुस्साए लोगों ने जाम किया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है, जल समस्या के निदान का आश्वासन भी दे दिया गया। शहर कोतवाली के गायत्री नगर का यह पूरा मामला है जहां पर गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। पानी की परेशानी को लेकर यहां पर लोग बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं और इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। गंदे पानी की समस्या को लेकर बेहद लोग यहां पर परेशान हैं। कहा जा रहा है कि पानी जो है वो साफ नहीं मिल पा रहा, गर्मी का क्योंकि मौसम भी आ गया है उसको लेकर भी लोग परेशान हैं और पानी की समस्या यहां पर बरकरार बनी हुई है, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा बांदा में फूट गया है। चक्का जाम उन लोगों ने कर दिया है और अब पुलिस प्रशासन भी समझाइश में जुटा हुआ है। और यहाँ पे 4-5 महीने से रात रात बच्चे जग रहे हैं, पानी नहीं आता, पूरी रात बच्चे पानी भरते हैं, मोटर चलाते पानी नहीं आता और जो है किसी भी घर का पानी नहीं आता, बिजली कब से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। साल पूरे 5-6 महीने रही और 3-4 महीने अभी चालू हुई। यहाँ के लोगों की पानी की समस्या, इनके द्वारा बताया गया है कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो गंदा आ रहा है, इसी समस्या को लेकर लोग बैठे हैं। और अब महोबा के महिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नवजात शिशु के मौत होने के बाद डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले पर जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया है कि बच्चा पैदा होने के बाद पीड़ित के घर वालों से पैसे की डिमांड की गई और जब बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने कहा कि बिना पैसों का कुछ नहीं होगा। पीड़ित परिवार के पैसे देने के बाद भी डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया और बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने धमकी दी कि बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दो, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। और अब सीएमओ से शिकायत की गई है तो सीएमओ भी अपने कर्मचारियों की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। यह गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। किस तारीख को एडमिट हुई थी? सुबह 11 बजे करीब। किन कारणों आपने हम लोगों को बुलाया है? सर, इनकी शिकायत करने के लिए जब क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चे का ध्यान रखो, ये करो वो करो, तो क्या ऐसे कैसे ध्यान रखे, कुछ खर्चा करने पड़ेगा, खर्चा करने पड़ेगा, ये तो सरकार कहाँ पे खर्चिंग, वो तो जितनी भी आती, जितनी मैमें आती, सुबह वाली आती, शाम वाली आती, दोपहर वाली आती, ये तो सारी मांगती है खर्चा के लिए। नहीं, ये दोनों आरोप सरासर गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऐसी लंबे समय से कोई शिकायत नहीं आई है, यहाँ पे सब जगह पे मैंने फ्लेक्स बैनर्स लगवा रखे हैं, अगर कोई पैसा मांगता है तो मुझको सूचित करे, ऐसा कहना सरासर गलत है। ऐसा कभी नहीं कहा जाता, बच्चों को कूड़ेदान में फेंकने की बात कभी नहीं की जाती, ये भी गलत कहा जा रहा है। इस तरह के आरोप लगा के आप लोग मेरे स्टाफ को हतोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आज यूपी के मुख्यमंत्री जी महोबा आ रहे हैं और महोबा महिला अस्पताल को नया गिफ्ट मिला है, बिना पैसे के यहाँ पे कोई कार्य नहीं करते हैं। नवजात बच्चे की दुर्घटना हो गई है, दूध पिलाने में भी 50 रुपए, डिलीवरी कराने में भी पैसा मांगा जा रहा है यहाँ पर। 9 तारीख का शाम के भाव तो 6 बजे खी बढ़िया बच्चा भाव मान लो खी सब कुछ 1100 रुपया मंगाया, बोले खुशी भाई आप 1100 रुपया दो हमको, तो हमने खुशी से 1100 रुपया दे दिए। किसको दिए थे 1100? बोर निकल गई अभी,
अभी है? नहीं नर्स है, तो हमने खुशी से दे दिए, चलो भाई बच्चा भाओ हमने खुशी से दे दिए। अब रात भर रुके रहे, सुबह आए हम रात के खीब दूध पियो बढ़िया लेटा रहे, और सुबह के टाइम थोड़ी दूध सो डालू बच्चा ने मान लो, और बोली कि दूध नहीं पिया का, तो इन्हें दिन के 11 बजे रात के सुबह डाल दो बच्चा का, शाम के दिन भर पाओ रहो शाम के, और शाम के बोले कि दूध नहीं पिया था और बच्चा का जाने का है, उठाओ बच्चा का तो मशीन में रख दो। समस्या तो यही है, हमारा मरीज सही है, लेकिन क्या है कि पैसा मांग के काम करती हैं। 21 रुपए मांग रहे थे। कितने लोगों ने पैसे मांगे? चार पांच लोगन थे। हाँ, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।